दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक बढ़िया जॉब अपडेट। जैसा कि आपको पता है अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, तो उनमें भी एक बढ़िया घोषणा थी जो आपको पता है पुलिस विभाग में घोषणा की थी, वो है RISF भर्ती की। तो RISF भर्ती जैसे सेंटर में अपने CISF होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसी तरह अपने राजस्थान में भी RISF की फोर्स को घोषणा की है। तो CISF का क्या कार्य होता है, CISF होती है अपने जितने भी भारतीय औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे जो सुरक्षा बल के जवान होते हैं उनकी तैनाती करना, या जो एयरपोर्ट हो गए या बढ़िया कोई फैक्ट्री वगैरह जो गवर्नमेंट के अंदर आती है वहां पे CISF के जवान ही जो है वो सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। उसी के तर्ज पर अपने राजस्थान में माननीय अशोक जी गहलोत ने RISF की घोषणा की है, क्योंकि राजस्थान में बहुत बढ़िया बढ़िया उद्योग है और बहुत बड़े बड़े उद्योग है या बहुत बड़ी खाने हैं और एयरपोर्ट वगैरह भी है, जैसे हमारे जयपुर में हो गया, उदयपुर में हो गया। तो क्योंकि आजकल आपको पता है उदयपुर वगैरह में शादियों वगैरह का बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है, क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी है वो अपने उदयपुर को ही चुनती है शादी वगैरह के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया सेलिब्रिटी है वो अपने उदयपुर या अपने जयपुर को ही आजकल फिल्म शूटिंग हो गई या शादी के लिए चुनती है। तो इसी की तर्ज पर अपने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने RISF की घोषणा की थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भी RISF क्या होती है, इसमें किस पोस्ट पे कितनी पोस्टें आएंगी, किस पे भर्ती होगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो तो पहले आप एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं अपने जो बच्चे CET क्लियर नहीं कर पाए राजस्थान पुलिस का, या जो बच्चे फिजिकल में रह गए, तो उन सभी के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है RISF भर्ती का। क्योंकि जो बच्चे कांस्टेबल में बेल्ट की तैयारी करना चाहते हैं या जो अपने राजस्थान में पुलिस विभाग में कार्यरत होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और जो बच्चे CET में वंचित रह गए, CET एग्जाम ही नहीं दे पाए, उनके लिए भी बहुत ही पुलिस विभाग में बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आने वाली है। तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे और बताऊंगा भी वैकेंसी कब आएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बात करते हैं अपने RISF का क्या नाम होता है। RISF का हो गया राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके विभाग आपको बता दूं इसमें भर्तियां कितनी आएगी, तो 3000 से प्लस प्लस भर्तियां आने वाली है। तो पदों की संख्या इसमें कितनी होगी, 3072 या इससे प्लस ही हो सकती है, इतनी पदों की घोषणा माननीय अशोक जी गहलोत ने की थी। तो अब बात करेंगे इसकी योग्यता क्या है। योग्यता इसमें रखी गई है ओनली 12वीं पास। क्या रखी गई है, 12वीं पास, ठीक है, 12वीं पास रखी गई है। और आयु सीमा इसमें रखी गई है 18 से 23 वर्ष, कितनी, 18 से 23 वर्ष। बाकी आपको कैटेगरी के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन मिलना होगा वो नोटिफिकेशन में आपको बताया होगा, अभी ओबीसी के हिसाब से अलग है, जनरल के हिसाब से अलग है, या ST कैटेगरी के हिसाब से अलग है। वो मिनिमम एज अपनी 18 से 23 होनी चाहिए। जो बच्चे पुलिस सेवा में कार्यरत होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है RISF, ठीक है। अब बात करेंगे पहले सिलेबस की, उससे पहले इसमें बात करेंगे कौन कौन से पदों पर भर्ती आने वाली है। तो इसकी बात करेंगे पहले पदों की भर्ती कौन कौन सी आने वाली है। तो आपको मैं बता दूं पहले मेरे पास इसकी वैकेंसियां है, क्योंकि इसके जिसने RISF में ऐसे नई बटालियन ऐसे अपने राजस्थान में 3 बटालियन बनाने जा रहे हैं, कौन कौन सी है, वो भिवाड़ी, इसकी 3 बटालियन बनेगी, एक तो होगी भिवाड़ी, एक होगी चित्तौड़गढ़ और एक होगी बालोतरा। इन बटालियनों के अंदर ही अपने राजस्थान के सारे जितने भी 50 जिले हैं वो कवर किए जाएंगे, जैसे अपने जैसे पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा हो गया, जैसे दक्षिणी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ हो गया, और पूरी राजस्थान में भिवाड़ी या अलवर हो गया। तो उसी के हिसाब से ये बटालियन बनाई गई है। इनमें अलग अलग जैसे SI की वगैरह की होगी, कमांडेंट की होगी या कांस्टेबल की होगी, हर स्टाफ की जरूरत तो पड़ेगी ना, ऐसी तो नहीं है ओनली कांस्टेबल ही लगानी है, हर स्टाफ की जरूरत पड़ती है। उसमें सफाई कर्मचारी भी चाहिए, जो कांस्टेबलों के लिए खाना बनाते हैं उनकी भी जरूरत होगी, नर्स स्टाफ की भी होगी, LDC की भी जरूरत होगी। तो उन सभी की पोस्टें RISF की अपने
तैनाती की है, तो उन सभी में हर पोस्टें बनाई हुई है। तो मैं बात करूंगा पहले आरएएस में कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो आरएएस में आपकी पहली पोस्ट है आरएएस बटालियन में कमांडेंट की, जिसमें आपकी तीन पदों पर भर्ती आएगी। कितने? तीन पदों पर। फिर दो नंबर पर आरएएस डिप्टी कमांडेंट, जिसमें तीन पद होंगे आरएएस डिप्टी कमांडेंट। फिर अपने होगी तीन नंबर पर होगी आरएएस असिस्टेंट डिप्टी कमांडेंट या सहायक कमांडेंट होंगे, जिसमें आपके 30 पद होंगे। और चौथी होगी आपके आरएएस कंपनी कमांडेंट, जिसमें 27 पद होंगे। और पांचवी होगी आरएएस प्लाटून कमांडर, और छठी होगी आरएएस हेड कांस्टेबल, जिसमें 600 पद और प्लाटून कमांडर में 135 पद। और सातवीं होगी आरएएस कांस्टेबल 2202 पद होंगे। आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, प्लाटून कमांडर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये जो है अपने, जैसे अपने एसआई हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया और कांस्टेबल हो गया। कांस्टेबल आपको पता है 12वीं बेंच पर रखा गया, जैसे अपने पहले राजस्थान पुलिस में भर्ती होती है उसकी योग्यता के लिए अपने क्या रखा गया है, 12वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए मिनिमम। और प्लाटून कमांडर जैसे अपने एसआई होता है उसी की तरह ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। और हेड कांस्टेबल की सीधी भर्ती है, पहले तो अपने प्रमोशन पर हेड कांस्टेबल बनते थे, भी कांस्टेबल बन गया, उसके बाद सीनियर कांस्टेबल बन गया, उसके बाद हेड कांस्टेबल बनता है, तो आपको सीधा ही हेड कांस्टेबल मिलने बनने का मौका मिलेगा। तो आप डट कर तैयारी करें, ऐसे नहीं सोचे भी भर्ती कब आएगी। जो बच्चे पिछले पहले रह गए सीए, जैसे सीईटी राजस्थान पुलिस का सीईटी हुआ था जिलों के हिसाब से 15 गुना में नहीं आए पाए, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो आप तो आज से ही लग जाओ, क्योंकि भर्ती आने वाली है और आपको बताऊंगा कब आएगी। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आरएएस में सीधी हेड कांस्टेबल, आपको कांस्टेबल ही सीधा हेड कांस्टेबल की भर्ती मिल रही है। 600 पद राजस्थान में बहुत होते हैं आरएएस में। और इसका काम क्या होता है, जैसे कांस्टेबल का तो एक थाना मिल जाता है, आरएएस का ओनली इंडस्ट्रियल जगह पर, जैसे एयरपोर्ट वगैरह हो गए, जितने भी उद्योग क्षेत्र हो गए वहां पर कार्य होगा। तो आप इनकी तैयारी जरूर करें, जो भी पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों के बेल्ट की नौकरी की मन में एक इच्छा होती है भी हमें लगना है तो बेल्ट की नौकरी ही लगना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आरएएस की भर्ती अपने मुख्यमंत्री जी ने एक बढ़िया घोषणा की थी, आरएएस की अपने जो राजस्थान के उम्मीदवार है उनके लिए एक हित में ये घोषणा की गई थी। तो अब बात करेंगे बाकी इसमें पद कौन कौन से है, बाकी पदों की बात कर लेता हूं। बाकी पद होते हैं इसमें सहायक लेखा अधिकारी, जैसे अपने जूनियर अकाउंटेंट हो गया, या इससे ऊपर हो गया असिस्टेंट अकाउंटेंट, जैसे डबल ए हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गया, उसी के हिसाब से होती है। एक इसमें हो गया कनिष्ठ लेखाकार या जूनियर अकाउंटेंट, मैंने आपको बता ही दिया। और एक हो गया सूचना सहायक, जैसे अपने राजस्थान में आरएमएसएस भी सूचना सहायक की भर्ती करवाते हैं, जिसमें अपने जो कंप्यूटर वगैरह ग्रेजुएशन रखते हैं साथ में कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, तो वो इसमें रखी हुई है। वही सेम प्रोसेस जैसे अपने आरएमएसएसबी बोर्ड जो जैसे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती चल रही है, अपने सूचना सहायक भर्ती चल रही है, उन्हीं के हिसाब से बटालियन के हिसाब से उन सभी पदों को भरने के लिए हर विभाग में 2 या 3 वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन आपके लिए जैसे एसआई हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया और कांस्टेबल, जैसे कांस्टेबल की 2202 पद हो गए, और प्लाटून कमांडर जैसे एसआई के 135 पद हो गए और हेड कांस्टेबल के 600 पद हो गए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे सिविल में जाना चाहते हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका जूनियर अकाउंटेंट के लिए सीईटी पास नहीं हुआ, तो उनके लिए 3-4 पोस्टें हैं, लेकिन आपको तो पोस्ट एक ही चाहिए। जो तैयारी करेगा डट कर ये सोचेगा भी पोस्ट 3 है क्या फॉर्म भरे, तो वो फॉर्म ही नहीं भरते, भीड़ तो पीछे वैसे ही हो जाती है। बात करते हैं इसमें आगे वाली पोस्टें कौन कौन सी हैं। सूचना सहायक की होगी, और आगे सफाई कर्मचारी वगैरह की पोस्टें जिनका आपको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि ये वीडियो ये पोस्टें वो आपके काम की नहीं है। अब बात करते हैं अपने सिलेबस की, सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं सेम कांस्टेबल की तरह, इसमें जीके आएगा राजस्थान का, राजस्थान जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया राजस्थान का, एक हिंदी हो गई, हिंदी ऐसे में हिंदी आती है, रीजनिंग हो गई, और मैथ के भी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे में आते हैं, मैथ भी आती है थोड़ी बहुत, और थोड़ा कंप्यूटर भी आता है, तो कंप्यूटर जैसा आपके अपने राजस्थान में एसआई और कांस्टेबल का सिलेबस है वो ही सेम कांस्टेबल
ये सिलेबस है रहने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जो बच्चे कांस्टेबल के एग्जाम में जैसे सिटी में रह गए या जो फिजिकल में रह गए या जो बच्चे एसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ के साथ आरएएसएल की तैयारी हो रही है, वो बच्चे भी जरूर तैयारी करें। ऐसा ना सोचे भी हम तो एसआई बनेंगे, तो एसआई का सेम सिलेबस है, तो आप इसको आधार मानकर, क्योंकि ये पहली वैकेंसी है तो ये डेफिनेटली होनी होनी है अपने राजस्थान में, तो पहली वैकेंसी है। और अपने बटालियन भी बना दिए, तीन बटालियन है, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा। तो इसके हिसाब से इनमें जवानों की तैनाती की जाएगी। और जैसा कि आपको पता है, अभी अपने आमिर खान जो अभिनेता, उनकी लड़की की शादी हुई है, तो उसी प्रकार एयरपोर्ट में कितना भीड़ होती है, तो अपने जवानों की जरूरत होती है। तो अपने राजस्थान में सेंटर से मंगाने पड़ते हैं जवान, यहाँ पे सीएएसएफ के तैनात करने पड़ते हैं। तो अपने आरएएसएफ जब बन जाएगी, तो अपने राजस्थान में आरएएसएफ के बटालियन के जवान, जो अपने राजस्थान के ही युवा होंगे, वो ही वहां पे तैनात होंगे। साथ में आपको सेलिब्रिटी से मिलने का भी मौका मिलेगा, जो जिनकी ड्यूटी एयरपोर्ट या अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ पे इंडस्ट्री जो घूमने के टूरिस्ट वगैरह का एरिया है, वहां पे भी आते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। मेन तो बात यह है, जो बच्चे कांस्टेबल की या एसआई की तैयारी करें, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। अब बात करते हैं अपने ये भर्ती आएगी कब। तो आपको बता दूं, आपको पता है लोकसभा चुनाव है अपने मई अप्रैल में, अप्रैल या मई में चुनाव होने हैं। उससे पहले आपको पता है लगभग 11 या 12 मार्च को आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आएगा जो नोटिफिकेशन आपको आएगा, वो आएगा अगस्त माह में, लगभग अगस्त माह में एसआई की वैकेंसी, आरआईएसएफ की वैकेंसी और महिला एएसआई की वैकेंसी, जो लड़कियां, जिसमें इसमें लड़कियों में पोस्ट भी होगी, जो लड़कियां महिला एएसआई की तैयारी कर रही है उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया खुशखबरी है, क्योंकि इन तीनों की पोस्टें अगस्त या सितंबर के अंदर जरूर नोटिफिकेशन आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। अन्य ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।